बांधी। मैं अपने दोस्त से पूछ लूं, इसके बाद मैं महलों को जरूर चलूंगा। मेरी बांधी मेरे दोस्त, कहिए भैया मेहताब, मेरी माँ समान मौसी की बहुत तबीयत खराब है और मैं वहां बस जाऊंगा। भैया इतनी मेरा रात को कुछ भी हो, सुन मेरी बात। और बात की सुंदर सीता और मेरा झूठा सब्र करार और मेहरबान इस वक्त अब नहीं सुहाती। यार हम निज महलों और नहीं सुहाती सार, यार भर भर हमें चाहती है इस दामादी, इस दम तबीयत गम में गोते खाती। एक तो सख्त दर्द बादी मेरी मौसी के बतलाती है और मेरी दोई बाही आंख फलकती मुसल्लत दिलाती है। मैं भावशा कुशल न दिखलाती है। ऐ भावा शमा भैया पुराण, कहो क्या कहना चाहते हो? सुनो भैया कि तनक तसल्ली कीजिए और बांधो साबरू करा ऐसा सब और ऊंच नीच का और मेहरबान, अरे कर लो जरा तो ऐसी बात करते हो। मेरी माँ समान मौसी की तबीयत खराब है और कर लो जरा विचार यार, इतना क्यों घबराए और बीती आधी रात भैया और भक्ति कौन जा। और भैया मेरे दोस्त मेहताब, भैया सुन मेरी बात, मेरी भैया और समवादी के जा कर देखी आना मुनासिब है। संग बांधी के जाकर देख और देख ही आना मुनासिब है, और बुला भेजा है मौसी ने तो फिर जाना मुनासिब है। पूरन भैया कि रात के वक्त बुलवाया और जचे कुछ दाल में करा तो क्या हुआ? और तेरा इस वक्त पूरन मल नहीं जाना मुनासिब। कैसी बात करते हो?
मौसी के जाने में, प्यारे सजनों, महल मौसी के जाने में बता किस बात का डर है, और मना मत कर किसी का दिल दुखाना, दुखाना मुनासिब है। मैं वहां बस जाऊंगा, दोस्त मेहताब भैया मैं जा रहा हूं। नहीं भैया, पूरन भैया कहो, अशगुन हो रहा है। तुम कैसी बात करते हो? ना जाओ भैया, कि मैं से क्या और देख भैया उगल है पड़ी, और आग आग पाई फड़कती मेरी दम बदम, जा महल में नमोसी के इस वक्त तू, और आखिरी में तुझे पर न हो रंज कम जीता। महल में कैसी बात करते हो? सच्चिदानंद हर वक्त भली ही करे, और चीख का कर न सके अपने दिल दर माया जी। सच्चिदानंद मैं वहां बस जाऊंगा। सच्चिदानंद सच्चिदानंद हर वक्त भली ही करे, ठीक का कर न सक अपने दिल दर माया। क्योंकि भूख उसमें होती सराफत कहां, मैं तो चाहूंगा मुझको बुलाया है जब बात तेरी कोई सुन में सकता। मैं तो चाहूं को बुलाया है जब बात तेरी कोई सुन में सकता नहीं। मैं तो मैं जा रहा हूं। ठीक है भैया, पछताओगे। इधर मौसी पूरन को अपने जाल में फंसाने के लिए बांदी से बुलावा भेजा,
और उधर बांदी के माध्यम से पूरन अपने दोस्त मेहताब की बात को ना मान करके महलों की तरफ रवाना होता है। अब आगे देखेंगे, मौसी इधर पूरन का इंतजार कर रही है, पूरन का। अब आप देखें कहानी। धन्यवाद।